नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है जहां पर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर एक्सेस रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन जीएसटीआर 3 बी के अंदर आपने सही रिपोर्टिंग की है, सही आउटवर्ड सप्लाई आपने डिक्लेयर की है, सही टैक्स लायबिलिटी आपने डिस्चार्ज की है। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी जो सप्लाई है वो 100 रुपीज की है, एज पर थ्री बी जो है आपने 100 रुपीज की ही सप्लाई डिक्लेयर की है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो आपने पे कर दी है। लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 110 रुपीज के रिगार्डिंग हो गई है। इसका मतलब आपने जो है किसी सप्लाई को रिपोर्ट करते हुए उसके अंदर जो है कोई क्लरिकल मिस्टेक कर दी है, या फिर कोई इनवॉइस आपने ट्वाइसली अपलोड कर दिया है एक अलग सीरियल नंबर के साथ, एक अलग इनवॉइस नंबर के साथ। तो यहां पर कोई भी वजह हो सकती है जहां पर आपने GSTR 1 के अंदर एक्सेस रिपोर्टिंग कर दी है और उसको आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर के अंदर एडजस्ट कर लिया, आपने अमेंडमेंट की या फिर आपने जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट के जरिए उसको एडजस्ट किया। तो यहां पर सप्लाई अमेंडेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड डेट। तो अब इस सिचुएशन में जो है आप किस तरह रिपोर्टिंग करेंगे, ये जो 10 रुपीज का डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग क्या आपको GSTR 9 के अंदर कोई रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जब हम GSTR 9 फाइल करेंगे तो अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपका जो बेस होना चाहिए वो बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस GSTR 3B, कि बुक्स में जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो आपने GSTR 3B के अंदर उसकी टैक्स लायबिलिटी आपने सही से डिस्चार्ज कर दी हो। तो ये बेसिकली आपकी जो है कोशिश रहनी चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और GSTR 3B आपकी मैच हो। तो यहां पर अब ये जो GSTR 1 के अंदर आपने नेक्स्ट ईयर की जो एडजस्टमेंट के अंदर जो एडजस्टमेंट की है वो जस्ट एक इंफॉर्मेशनल पार्ट है, उसकी कोई भी रिपोर्टिंग आपको GSTR 9 के अंदर नहीं करनी है। तो यहां पर टेबल 4 के अंदर जब आप आउटवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे तो अगेन यहां पर आपकी GSTR 1 के बेसिस पर 110 रुपीज की आपको रिपोर्टिंग दिखाई देगी, लेकिन आपको यह चेंज करनी है, एडिट करनी है, इसको आप 100 रुपीज की डिक्लेयर करेंगे जो आपकी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर GSTR 3B है। तो यहां पर 100 रुपीज की आप आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद टेबल 9 के अंदर जो टैक्स पेबल पार्ट है वो भी आपका 100 रुपीज के रिगार्डिंग रहेगा एज पर GSTR 3B, और उसकी आपने पेमेंट भी जो है 100 रुपीज ही की है, तो यहां पर आपका जो डिफरेंस होगा वो होगा 0, नील। तो यहां पर 100 रुपीज के रिगार्डिंग आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप पार्ट रहेगी 100 रुपीज के रिगार्डिंग, जो आपने टैक्स पे किया है वो आपका ऑटो फिल रहेगा। टेबल 10 के अंदर आप कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, भले ही आपने 10 रुपीज की ये एडजस्टमेंट जो है आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है, लेकिन यहां पर टेबल 10 के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इस 10 रुपीज के जरिए आपने ना तो अपनी कोई टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की है ना ही कोई टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की है। ये एक इंफॉर्मेशनल पार्ट था जो आपने 22-23 के अंदर एक्सेस रिपोर्टिंग की और उसको आपने 23-24 के अंदर आपने सही कर लिया, इसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई ही 100 रुपीज की है और 100 रुपीज के रिगार्डिंग जो आपका टैक्स बनता है वो आपने GSTR 3B में पे भी कर दिया है। टेबल 11 के अंदर भी कोई रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है, और जब टेबल 10 और 11 में कोई रिपोर्टिंग नहीं है तो यहां पर टेबल 14 के अंदर भी कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। तो इस तरह आप देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो 100 रुपीज की सप्लाई है GSTR 3B में 100 रुपीज की सप्लाई पर ही आपने टैक्स पे किया है, और GSTR 9 के अंदर टेबल 4 के अंदर आपने 100 रुपीज की सप्लाई को ही डिक्लेयर किया है। तो इस तरह ये तीनों ही इंफॉर्मेशन आपकी मैच होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगेन बार बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टेबल 4 को लेकर काफी सारे लोग बहुत रिजिड है कि यहां पर तो जो रिपोर्टिंग होगी वो GSTR 1 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, ऐसा नहीं है।
GSTR1 सिर्फ एक टूल है, एक मीडियम है जहां से इंफॉर्मेशन ली गई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप रिपोर्टिंग करेंगे जहां पर आपने GSTR1 के अंदर कोई आउटवर्ड सप्लाई एक्सेस रिपोर्ट कर दी है जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, जो GSTR3B के अंदर आपने रिपोर्ट नहीं की है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी QRMP स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।